कितना आगे बढ़ा? कितना आगे नहीं करें? कौन सामान है बातचीत में?
आप लोग इधर आया, हमारी बहनें इधर आया, पीछे यार थोड़े पीछे हटो यार, रज्जू भाई पीछे हटाइए सब, ओके पीछे हटाओ जरा, इधर बहनें खड़े होंगी जरा पीछे हटाओ, इधर आ जाओ आप लोग इधर आ जाइए, आप लोग पीछे जाइए, ये डोरी निकालो, पीछे जाओ थोड़ा सा और पीछे जाओ, थोड़ी सी और पीछे जाइए, जो भी हमारी मांगे थी होने में होगा। जय जय वीर हनुमान की, जय जय अयोध्या धाम की, भारत माता की, अंजनी मैया की, हरसिद्धि मैया की, सलकनपुर वाली मैया की, विजयसन देवी की, भारत माता की, समस्त सनातन समाज की, सभी बंधुओं की, जो इस उपस्थित बंधुओं अभी जो भी कार्रवाई हुई है उसके बारे में अभी हमारे प्रशासन द्वारा बताया जाएगा, कृपया आप सब लोग शांति से और धैर्य से इस बात को सुनेंगे, इसलिए शांति बनाए रखें, किसी भी प्रकार की कोई बातचीत आपस में नहीं करें, बातचीत चल रही है शोर शराबा नहीं करें, आप लोग सुनो, इनको पीछे से भी हटा दो भैया, आप लोग भी हटा प्लीज, बोलिए भारत माता की, गणेश जी बताने वाले हैं कार्यवाही के विषय में, सभी लोग शांत हो जाएं, एसडीएम साहब और एसडीओपी साहब दोनों यहाँ पर हैं, कल से आज तक जो भी घटनाक्रम हुआ उसमें कौन कौन सी कार्रवाई हुई है और जो भी कार्रवाई आगे भविष्य में है होने वाली है उसके बारे में बताएंगे, कृपया हम सब लोग शांति से सुने, चलो पीछे हट जाइए आप लोग, लीजिए एसडीएम साहब जनमानस की भावनाओं का पूरा सम्मान है। अब तक की घटना जो भी घटी वो अत्यंत दुखद है और किसी भी शहर के लिए इसको उचित नहीं ठहराया जा सकता। हमने तत्काल कार्रवाई करते हुए 3 दोषियों को गिरफ्तार कर लिया है, एक दोषी चूंकि शहर छोड़कर भाग गया था तो उसको सर्चिंग की कार्रवाई हो रही है, यथाशीघ्र उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उसके अलावा जो आपने मांगे की हुई है उन सब पर भी कार्रवाई होगी। जो आप अतिक्रमण हटाने की बात कर रहे हैं मैं भी इसके पक्ष में हूँ, विद्यालयों के आसपास अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। या पाएंगे कि जो आपने समय सीमा यहाँ से बोली है उसके पहले ही वो काम हो जाएगा। आपने मंच से जो भी समय सीमा कही है हमने कहा है आज हटना चाहिए, आज अतिक्रमण किसी भी शहर के लिए नासूर होता है, हम वहाँ प्रयास करेंगे कि यदि व्यवस्था हो पाए तो आज फेंसिंग भी करा देंगे। नगर पालिका अध्यक्ष में हमने सहयोग मांगा है, नगर पालिका हमको सहयोग कर रही है और यदि संभव होगा तो आज ही सामान मिल जाता है तो आज फेंसिंग वहाँ होकर कवर कर लेंगे उसको, ताकि भविष्य के लिए ऐसी कोई दिक्कत ना हो। अब आपने जो भी कुछ देखिए क्या होता है, आपने जो भी इस ज्ञापन के माध्यम से अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं उनको हमने कलेक्टर साहब को अवगत करा दिया और सभी पर कार्रवाई होगी।
बिल्कुल जांच में जो भी कुछ और लोग पाए जाएंगे जो संलिप्त होंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अरे यार एसडीएम साहब एक मिनट सुन लीजिए, सुनिए एसडीएम साहब, जो भी आपने अभी तक कार्रवाई की है इसके बारे में बताया है और सबका कहना है कि इन लोगों के इर्द गिर्द जो इनको प्रोत्साहन देते हैं, जो इनको संरक्षण कर रहे हैं, जो लोग इनको प्रोत्साहन देते हैं इस तरह के तत्वों को, जो इनको संरक्षण देते हैं उन संरक्षकों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। किसी प्रकार से उनको महिमा मंडित नहीं करना, वो आते हैं शान से और बैठते हैं और यहाँ से छोड़ा के दूसरों को ले जाते हैं, इससे हमारे लोगों को, इसलिए ऐसे लोगों का भी ध्यान रखना चाहिए। अरे रुको तो भैया, अवसर तो तू बोलने का, अरे साहब कुछ कह रहे हैं। आपने जो भी मांगे दी हैं, आपने जो भी बातें कही हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो अभी की जा सकती है, कुछ चीजें थोड़ा जांच के बाद उनमें हम लोग निष्कर्ष पे पहुंचेंगे। जैसे आप अभी जो बोल रहे हैं कि जो लोग संरक्षण देते हैं, जांच में निकल करा जाएगा कि कौन संरक्षण दे रहा है, उनके सबके खिलाफ कार्रवाई होगी, आप निश्चिंत रहें। और जो आप अवैध निर्माण हटाने की बात कर रहे हैं, हम जांच करके अवैध निर्माण निकलेगा बिल्कुल हटाएंगे। माननीय महोदय, जुलूस के विषय में जो हमने आपसे बोला है, जो भी आरोपी अभी पकड़ाए हैं उनको लेकर के आप आज के दिन ही उनका जुलूस निकालें, ऐसा हमारे अधिकारी ले रहे हैं, थोड़े शांत हो जाए तो थोड़ी ठीक ठाक मीडिया में बातचीत हो जाएगी। इसलिए आप सबसे निवेदन है कि बिल्कुल 2 मिनट का मौन।
शांत रख ले, दो मिनट शांत हो जा, दो मिनट शांत हो जाए। चलिए मैं भी हाथ लगा देता। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हमको प्रशासन ने बोला है जो जो भी हमारी मांगे थी उन पर गंभीरता से विचार किया जाएगा, कुछ काम आज हो जाएगा, कुछ 24 घंटे के अंदर होगा। और आप सब ने जो इस बड़े आंदोलन में आकर सबने भाग लिया, यहाँ पर अपनी बात की, आपने प्रशासन पर दबाव बनाया और प्रशासन ने आपकी सभी मांगे स्वीकार कर लिए। और उनमें 2-3 दिन के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि कार्रवाई हो रही है, और अगर कार्रवाई नहीं होती तो आगे फिर हम इसमें बैठ के आगे की बातचीत करेंगे। और इस विषय में हमारे संघ के बड़े पदाधिकारी हैं, प्रवर सिंह जी को अपनी बात रखेंगे। चलिए सावधान, एक मिनट, अभी हम सबको, हाँ हाँ चल रहा है उधर, चलिए अभी अभी हम सबको शांतिपूर्वक घर जाना है। हमने फिर पुलिस को 7 दिन का समय दिया है, जो सब मांगे रखी इनका। अरे भारत माता की, बोलिए भारत माता की। प्रवर सिंह जी आप इधर ऊपर आइए, तुम हटो भाई, जरा नीचे हटो, नीचे उतर जा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज प्रशासनिक अधिकारियों ने जो भी ज्यादा नहीं बोलना, जब प्रशासनिक अधिकारियों से जिम्मेदार लोगों की बात हुई है, अच्छी बात हुई होगी, और आपके जो कुछ भी मन में है वही आपके मन की बात हुई है। और प्रशासन ने अब बोला है कुछ कार्रवाई आज करेंगे, कुछ 24 घंटे के अंदर करेंगे, कुछ 2-3 दिन के अंदर सारी कार्रवाई आपको देखने को मिलेगी। आप इससे निकट रहिए, कार्रवाई पूरी होकर रहेगी। यहाँ पर प्रशासनिक अधिकारी आश्वासन देकर गए हैं, और प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मिल के गए हैं, जो भी हमारे यहाँ पर पदाधिकारी हैं। बलवीर सिंह जी आप भी इधर जाइए, धीरेन्द्र सिंह जी इधर, और हमारे कुछ बंधुओं का कहना ऐसा है कि जो हमारे समाज के वकील बंधु हैं, एडवोकेट, वो कोई भी हमारे ऐसे लोगों का प्रकरण नहीं लड़े, केस नहीं लड़े, यहाँ से निवेदन कर रहा है, तो उनके लोग केस लड़े। इसलिए जो भी हमारी मांगे हैं वो सभी मान ली गई है, और उनके ऊपर तुरंत यहाँ पर एक्शन शुरू होगा। अभी प्रशासन अपनी तैयारी कर रहा है, और आप देखेंगे कि शाम तक बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बात, थोड़ा यहाँ पीछे हटो, थोड़ा पीछे हटो, पीछे हटो, सभी लोग शांत रहेंगे। बोलिए आपको बोलना, बोलिए भारत माता की, भारत माता की। मेरा आप लोगों से विनम्र आग्रह है कि थोड़े थोड़े पीछे हो जाए तो यहाँ लोग खड़े हो पाएंगे सुकून से। थोड़े से पहले देखो, हम लोगों की अनुशासनता ही हम लोगों की जीत है। अगर हम अनुशासन में नहीं रह पाएंगे तो हमारा ये काम करना कोई व्यर्थ है सारा। अगर हम सनातनी होगी, अगर अनुशासन में नहीं रह पाए तो फिर अनुशासन में कोई नहीं रह पाएगा। इसलिए मेरा आप सब लोगों से आग्रह, थोड़े थोड़े पीछे हो जाए। आप जब तक पीछे नहीं जाएंगे हम कोई बात नहीं करेंगे आप लोगों से। अगर आप पाप हो गए उसके बाद ही बात होगी। आप पीछे होइए, और या पीछे से भी उतरिए सब लोग, भैया पीछे से उतरिए। बार बार कहने पे हमारी, हमारे यहाँ अगर एक लाइन पे अनुशासन का पालन नहीं हो रहा है तो ये केवल हमारे लिए, भीड़ के लिए। हमें भीड़ नहीं चाहिए, हमें संगठित लोग चाहिए, हमें भीड़ की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हमारे साथ संगठित हो तो कृपया करके थोड़े थोड़े पीछे हटिए। अगर वास्तव में संगठित हो तो आप पीछे हटिए। अभी जब तक आप पीछे नहीं हटोगे हम
आप पीछे हटिए थोड़े थोड़े। जब तक आप हमारे सामने जगह नहीं देंगे तब तक हम बात नहीं करेंगे। अगर वास्तव में आप अनुशासन की बात कर रहे हैं, अनुशासन में आइए। अभी एसडीएम साहब ने जो हमको आश्वासन दिया है, उनका कहना जो है कि हम अभी जो जितनी कार्रवाई संभव है उतनी हम अभी करेंगे और बाकी की जो कार्रवाई बचेगी संभवतः हम 7 दिन के अंदर पूरी कार्रवाई करने वाले हैं। उस एम्बुलेंस को पीछे से निकलने को जगह दो, पूरी उसके लिए जगह बनाइए एम्बुलेंस के लिए। तो मेरा सर आप सब लोगों से आग्रह है कि आप अपनी जो शक्ति है, ये हमारी बड़ी शक्ति है, इस शक्ति को संचय करके रखिए। ये शक्ति को अनर्थ मत करिए। आप अभी आपसे बार बार आग्रह किया जा रहा है पर उस आग्रह का आप लोग पालन नहीं कर रहे हैं। ये संगठित शक्ति के रूप में आप इस पूरी शक्ति को बताइए, ऐसे भीड़ के रूप में मत बताइए। हम सब एक है, संगठित है, इसका उदाहरण दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आगे से कोई भी आने का प्रयास नहीं करेगा, कोई भी आगे नहीं आएगा, ऐसे मुद्दों को दबा दिया जाएगा। अगर आप वास्तव में चाहते हो समर्थन करने के लिए आए हो तो उसे जहां से कहा जा रहा है उस एक एक लाइन का पालन करिए। बोली भारत माता की, बीच में सुन लो भैया, अभी अभी निकाले थे उसमें भी समाज के ही लोग थे, उन सब ने जो बिंदु थे कि उसने हमने क्या बन दिया। अब हर एक की बात तो अपन कह नहीं सकते, वो कहेगा ये वो कहेगा, नहीं संभव नहीं है। इसलिए हिंदू समिति कार्यालय में समाज के वरिष्ठ लोग थे। हटेगी हटेगी हटे, अरे कलेक्टर साहब आ रहे भैया, मेरे कलेक्टर आ रहे, कलेक्टर साहब आ रहे, कलेक्टर साहब आ रहे। यार बात तो मान लो, चलिए मीडिया को बात हो रही है सभी समाचार चैनलों से, कृपया भैया शांति बना रखें, शांति बना रखें। 2 मिनट का मौन रख लें, 2 मिनट मौन रख लें। रोकने के लिए, उन पर कार्रवाई करने के लिए हमने एक आह्वान किया कि समस्त हिंदू समाज के सड़कों पर उतरे और अपने सब लोग आए भी और हमने कार्रवाई की। समाज में एक प्रकार से जा रही चाहते हैं, समाज में एक प्रकार से कोई जो उसकी है जो साजिद ने रख रहा है, जो साजिद नाम का है उसने रख रहा है, चार दुकानें चारों हमने आंदोलन किया, चारों हर पर आडवा बगल में वो है ना, वो बेचता लेके बुला बात कर रहा हूँ। इस तरह का पहले भी मामला आए, पहले भी आते रहे, पहले भी, लेकिन पहले क्या था, एक एक दो दो लोगों के बीच में ये होता था। अब क्या सामूहिक रूप से किया गया एक कांड है, इसलिए सामूहिक रूप से सब हिंदू समाज इकट्ठा है और इसका विरोध कर रहा है। अभी हमने 5-6 लोगों के नाम से दिए और भी जब पुलिस सर्चिंग करेगी तो बड़ा रैकेट इसमें सामने आएगा। राजन राजेंद्र को राजन प्रजापति घुसगा बीच में जाते थे, मकबल ऐसा चलना हाथ दरवाला वहाँ नहीं आ रहे से बात की जाएगी और उन लोगों में भी कार्रवाई की जाएगी जो इन लोगों को सहयोग कर रहे हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक मिनट रुकेंगे, हमारे ये विषय को प्रारंभ में जिनके ध्यान में आया उन्होंने इसमें बहुत मेहनत करी है, उनसे थोड़ा सा बात करेंगे।
जाने तक करनी पड़ेगी। अभी चार मीटर है, 40 और निकलेंगे, लेकिन हम इन रैकेट को खुला नहीं छोड़ सकते। अभी चार निकले हैं, दो नाम और आ रहे हैं, वो भी आप लोगों तक पता चलेंगे धीरे से, लेकिन हम लोगों को इन पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई करानी है। लेकिन आपको ध्यान देना है, आपके समाज में हम लोग जब तक इकट्ठे नहीं होंगे अपन कुछ नहीं कर पाएंगे, और लोग पूरे इकट्ठे हैं और इकट्ठे होके ही ये काम कर रहे हैं। तो आप लोगों से निवेदन है, जब तक मीटर सोल न होते पूरे इकट्ठे हो और आगे से आगे ये मीटर पहुंचाए। जय श्री राम। अभी चार राम जो लड़कों के आए, एक अरमान लाला है, वो है पालवियर वार्ड नंबर 8 से, एक अनस है वही वार्ड नंबर 8 से, एक उनके छोटे भाई है रियान वही वार्ड नंबर 8 से, और एक किसी जीशान का नाम आ रहा है। ये चार लड़के अभी आए, और बाकी भी कुछ लड़के हैं जो पहले ये हरकत कर चुके हैं। ठीक है, मेरे को धमकी दे रहे हैं लोग, मेरे घर पे पहुंच रहे हैं, 8-10 लोग पूरे मेरे घर पे पहुंच रहे हैं। हम जब थाने में होते घर पे पहुंच जाते हैं, हम कहीं होते वहां पे पहुंच जाते हैं। नाम हमें नहीं पता होगा, अगर नाम पता होगा हम बिल्कुल आप लोगों को बताएंगे। कार्य में सहायता करिए माननीय विधायक साहब ने, सोनू जी शर्मा जी से ने, नाम बताओ भैया।
अपना जो आंदोलन है शांतिपूर्ण ढंग से करने की हमारी सबकी बातचीत हुई थी और हम शांतिपूर्ण ढंग से वहीं से बात की और बढ़िया भगवान राम का भजन करते हुए चले आ रहे हैं। प्रशासन को सारी चीज बता दी है और अभी कलेक्टर महोदय आ रहे हैं, उनसे भी सारी बातचीत हो जाएगी। इसलिए अनावश्यक कोई भी व्यक्ति अपने मन से ये कर ले वो कर ले ये नहीं कर ले, जो संगठन ने तय कर दिया वो बात मैं भी मान रहा हूँ, वो बात आप सबको भी मानना है। इससे हटके हमको कोई भी बातचीत नहीं करना है, जो डिसाइड होगा वही हम सब चीज करने वाले हैं। इसलिए आप शांति से जब तक कलेक्टर महोदय नहीं आते तब तक हम सब लोग यही चौराहे पर रुके रहेंगे और जो बंधु थाने पहुंच गए उनसे भी यही निवेदन था कि वहां से यहीं जाते चौराहे पे, क्योंकि चौराहे पे खड़े होने की जितनी भी व्यवस्था थी इतना ही सबसे निवेदन है। सब लोग शांति से यहाँ खड़े रहे जब तक कलेक्टर महोदय आए, जब तक उनका इंतजार करें। धन्यवाद। हनुमान चालीसा कौन गवाएगा? गणेश जी, गणेश जी हैं। आओ जरा आइए जरा सीमा, सब कौन कौन गवाने लगे, सब तो हनुमान चालीसा गवा इनके साथ बैठना भी सभी लोगों को पहले हनुमान चालीसा गाना है। सोनू जी आजा, थोड़ा घेरा बना लो यार, मजा नहीं आ रहा। थोड़ा सोनू घेरा बना, थोड़ा घेरा बना लो, सोनू से घेरा बना। श्रद्धापूर्वक अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज करिए हनुमान चालीसा, पवित्र हनुमान चालीसा हृदय में संकल्पबद्ध तरीके से हम इस हनुमान चालीसा को बोले, क्योंकि कलयुग तरह उपाय न दूजा तो राम भजन रामायण पूजा। इसलिए हम सभी को श्रद्धापूर्वक श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, भय रहु रघु कर विमल दसु जो दायक बलकार, बुद्धिहीन तनु जाने सुनो पवन कुमार, बल बुद्धि सभी को सके
I'm gonna see you on the side.